आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं प्रियंका जोशी जी। आज का हमारा विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है कि विश्वास हमारे जीवन को कैसे आकार दे सकते हैं, क्या हमारे विश्वास हमारे जीवन को आकार दे सकते हैं। पर इसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं प्रियंका जी के साथ। प्रियंका जी, आर यू रेडी? यस यस। तो मैं एक शब्द कहूंगी आपसे, मैं एक शब्द आपसे कहूंगी और आपको जो भी पहला उत्तर आपके दिमाग में आता है आपको उसके बारे में बोलना है। तो पहला शब्द है फ्यूचर या भविष्य। ब्राइट। वेरी नाइस। सपना। ड्रीम। चिल्ड्रन। मुस्कुराहट। स्माइल। माय पेट वीरा। सॉरी, माय पेट वीरा। She brings into my face. Curiosity, yeah, jigyasa. Curiosity. हम सब में होनी चाहिए। Can I say a sentence also? Yeah, sure. yeah. अच्छा, I thought you wanted to add to it. No. Just okay. That I think necessity of life. Sure. Paisa, next one. Abundant. Zindagi, life. Rocks. Film, movie, Piku. Food या खाना? छोले भटूरे। Guilty pleasure. Sure, I don't know, but I'm guessing आप दिल्ली से हो। हाँ। आविष्कार, invention, चंद्रयान। Happiness या खुशी? Happiness, family. Family, nice. And travel. अच्छा, ट्रैवल विद फैमिली। सो दोस्तों, द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के। मैं हूँ सुचरिता करी, या सुचा अगर आपको मेरा नाम बहुत लंबा लगे। टीजीवी हिंदी में मैं सह मेजबान हूँ। वैसे तो मैं एक एंटरप्रेन्योर या व्यवसायी हूँ, पर टीजीवी के साथ जुड़ी हुई हूँ क्योंकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका जिंदगी थोड़ा बेहतर होता है टीजीवी के माध्यम से। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ तो हम बेहतर बना सके। प्रियंका जी, टीजीवी में आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इन्वाइट करने के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू। सेम हियर। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि आपसे बात करके मेरा भविष्य भी मैं चेंज करने वाली हूँ करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से, जो कि मैंने कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। मैं आपसे ही सुनना चाहती हूँ आपके जीवन के बारे में। बिल्कुल। तो सुचा, राइट? सुचा, मेरा जन्म हुआ पौड़ी गढ़वाल में। मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। तो ये एक छोटा सा शहर है गढ़वाल का। Okay. जो बिल्कुल भी हिल स्टेशन नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत है और अनटच्ड है। और वहाँ के स्कूल में मैं पढ़ी बड़ी हूँ। हमारा स्कूल जंगल से घिरा होता था, सो मेरी बहुत खूबसूरत यादें हैं स्कूल्स की, बचपन की और नेचर की। मैं बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ अपने आप को इस बात के लिए। और उसके बाद मैं पढ़ने आगे दिल्ली आ गई थी 11वीं 12वीं कक्षा के बाद, तो जिसने मेरा वर्ल्ड व्यू बहुत ओपन किया। और फिर मैंने अपना पूरा ग्रेजुएशन और सारी पढ़ाई दिल्ली से की, और शुरुआत मैंने विप्रो से की अपनी जॉब की। और फिर मैं बढ़ते बढ़ते अपने करियर में ट्रेनिंग और एचआर में भी एज अ मैनेजर, सीनियर मैनेजर मैंने सर्व किया है। और इसके बाद सोचा, मैं जब शादी हुई और माँ बनी तो बहुत बदलाव आया जिंदगी में। हम प्रिपेयर नहीं होते बिल्कुल, यू नो, अकेले रहने की आदत है और उसके बाद आप सडनली आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो जब मैं माँ बनी, मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था विप्रो कॉर्पोरेट में। और उसके बाद लेकिन मुझे ये महसूस होने लगा कि नहीं, मुझे अपने ये मदरहुड के रोल को और टाइम चाहिए, और मेरी जॉब मुझे उतना समय नहीं दे रही थी। तो तब मैंने काफी यूनिवर्स को इंटेंशन सेंड की कि
कि मुझे एक ऐसा करियर चाहिए जिसमें मैं एक अच्छी माँ भी बन सकूं और अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी रखूं। तो लाइफ कोचिंग का ऑप्शन मेरे सामने आया। ये अलग से एक बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट हो सकता है कि ये कैसे हुआ, पर मैंने फिर लाइफ कोचिंग परस्यू की आगे और उसके बारे में पढ़ाई की और अब 10 साल से मैं लाइफ कोच हूँ। और अब आजकल मैं टीनेजर्स और स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और यंग अडल्ट्स जो बिल्कुल अभी अभी जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है उनको काफ़ी लाइफ कोचिंग के माध्यम से मदद करती हूँ। और मेरे क्लाइंट्स इंटरनेशनली हर जगह हैं। मैं बहुत वर्कशॉप्स, वेबिनार्स और वन ऑन वन इंडिविजुअल कोचिंग भी करती हूँ। तो मेरा एक अपना पॉडकास्ट भी है, स्टोरीज दैट अच्छा इंस्पायर। स्टोरीज दैट इंस्पायर, उसमें मैं मुझे बहुत मजा आता है ऐसे लोगों से बात करने में जो कुछ नया कर रहे हैं, बिल्कुल हटके अलग, और जो कुछ ऐसा करने की हिम्मत कर रहे हैं जो अदरवाइज बाकी दुनिया से हटके है और जिसके लिए उनको बहुत क्वेश्चन भी किया जाता है। सो वो सारी स्टोरीज मुझे रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है जो मैंने स्टोरीज एट इंस्पायर में रिकॉर्ड किया है। मैं लिखती भी हूँ, मीडियम एक ब्लॉग साइट है उसमें मैंने अपने ब्लॉग काफी बनाए हैं अब तक। तो ये है। आपका जो सेगमेंट है टारगेटिंग यंग स्टूडेंट्स टीनेजर्स वो बहुत इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आजकल का जो ये जनरेशन है उनको सब कुछ मालूम है, बहुत कुछ मालूम है, बट क्या करना है उसमें बहुत सारे गुमराह रहते हैं। तो कंफ्यूजन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनको आप राह दिखा हाँ रहे, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके इस सफर में सबसे ऊपर आप अगर तीन चीजों को कहना चाहे कि जिसकी वजह से आप यहाँ पहुंचे हो, तो वो टॉप 3 चीज क्या होंगे? सबसे 3 चीजें मैं कहूंगी। एक तो जब भी चैलेंज आया मैंने उसको चैलेंज की तरह ना लेके एक्सेप्ट किया कि अब क्या है लाइफ में, देखते हैं, एडवेंचर की तरह लिया कि अब देखते हैं मैं कर लूंगी। दूसरा, डिसिप्लिन जो मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है। मैं बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं था मेरी लाइफ में, बट उनकी मदद से बहुत स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन आया, प्लानिंग आई, जिसने कि मुझे बहुत मदद की। अपना बिजनेस करना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत अलग तरह का आपको कमिटमेंट चाहिए, तो वो मैंने उनसे सीखा। और तीसरा, आई थिंक मेरा बेटा, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। आई थिंक ये जो टीन कोचिंग है ये उसी की वजह से मैं आई थिंक आज कर रही हूँ, बिकॉज उसके साथ जो मैंने सीखा, सर्टिफिकेशंस और बुक्स और जो एक्सपर्ट से सीखा वो तो अलग है, लेकिन आप जब अप्लाई करते हो जिंदगी में, अपनी रियल लाइफ में, तब आपको पता चलता है आपने जो सीखा है वो कितना आपकी लाइफ को बदल रहा है। तो ये तीन चीजें, और उससे मैंने कंपैशन भी बहुत सीखा है। ही इज अ वेरी काइंड चाइल्ड, वेरी सपोर्टिव। या सो ये 3 चीजें। वेरी रेयर टू लिसन की कंपैशन कोई माँ अपने बच्चे से सीख रही है। वेरी नाइस दैट यू एक्नॉलेज दैट फैक्ट। या आई थिंक वी आई शुड। एम ग्लैड कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, बट हमेशा मुश्किलें तो आती ही हैं। तो आपके जिंदगी में सबसे मुश्किल सी कौन सी चीज थी जिससे आपको बहुत अच्छी सीख मिली, जिसने आपको पुश किया आगे? वही जो एक मेरी जिंदगी में, मैंने पहले भी कहा जब मैंने अपनी मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, अच्छा तो तब मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था और वहां तक पहुंचने के लिए भी मैंने बहुत परिश्रम किया था। मतलब काफी मैंने मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का जो बिजनेस था, फाइनेंशियल लॉसेस उनको बहुत होने लगे जब हम पढ़ ही रहे थे। तो हम ऐसे बहुत कोर्सेज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे जो बहुत महंगे थे, बिकॉज हमारे फाइनेंशियली हम देख रहे थे कि बहुत बदलाव आ रहा था घर में छोटी छोटी चीजों के लिए, जो हमारे पेरेंट्स ने महसूस नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी दिख तो जाता है। करेक्ट। तो उस टाइम पे मैं जो कुछ चीजें, जैसे अगर मैं किसी एक्सपेंसिव MBA में एनरोल करना चाहूँ या वो करना चाहूँ, तो वो नहीं कर पाए। तो उस पॉइंट पे जो सामने आया मैंने वो शुरू किया। तो अब अपनी जॉब में आगे बढ़ने के लिए मुझे काफी परिश्रम करना पड़ा, और
जब वो पॉइंट आया जब मुझे ऐसा लगा कि अब शायद मैं इस करियर को आगे और ना बढ़ा पाऊं, क्योंकि मेरे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी फैमिली, मेरी बच्चे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो एक बहुत बहुत मुश्किल समय था। लेकिन उस समय ने मुझे ये सिखाया कि सब कुछ हमारे अच्छे के लिए होता है। यू नो, हमारी, अगर वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, हम चूज कर सकते हैं। या तो हम उस समय में ये सोच लें कि बस अब सब खत्म हो गया, मैंने तो उतना किया था, या फिर हम ये सोच लें कि नहीं, लाइफ इज एन एडवेंचर, मैं फिर से कर लूँ। सो उस सीख, उससे मुझे और सपोर्ट भी बहुत मिला, बहुत बहुत सपोर्ट मिला हर तरफ से। जैसे कि मैंने कहा, बिलीव और सोच हमारी, यू नो, बहुत क्रिएट कुछ बहुत कुछ क्रिएट कर देते हैं। तो आपके लाइफ में विच लीड्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लाइफ में ऐसा कोई घटना है जिससे आपको पता चला या आपको महसूस हुआ कि सकारात्मक या नकारात्मक विचार से ही हम अपना जिंदगी बना सकते हैं? ऐसे आपको कोई एक्सपीरियंस था कि आपने महसूस किया कि हाँ, ये मेरे सोच से ही मैंने ये बनाया है जिसकी वजह से हाँ, आज आप ऐसे कोर्सेज देते हो? तो ऐसा कोई एक, इसके अलावा और कोई घटना था आपके पास विच गेव अ डेफिनेटिव बहुत। शेप कि तो यस, माय थॉट्स आर शेपिंग माय लाइफ? हाँ, आई थिंक एवरीथिंग अबाउट माय लाइफ टुडे, मैं ये अच्छा, कहूंगी कि जैसे मैं जब पहले स्टूडेंट थी और उसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मेरी सोच काफी नकारात्मक थी। मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं था, मुझे इस बात पे विश्वास नहीं था कि मैं आगे कुछ अच्छा कर पाऊंगी। तो जिस तरह से मैं बढ़ना चाहती थी, उस तरह से बढ़ नहीं पाती थी आगे। लेकिन लाइफ कोच बनने के बाद, जब मैंने बिलीफ सिस्टम्स के बारे में या विश्वास की यू नो क्षमता के बारे में पढ़ा कि विश्वास में बहुत पावर है, तब जब मैंने इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू किया, तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरे जीवन में ऐसे लोग आए, ऐसी किताबें आई, ऐसी यू नो इवेंट्स, अपॉर्चुनिटीज आई, जिन्होंने मुझे और आगे बढ़ने में हेल्प किया। अच्छा, कि जब मैंने शुरू किया था अपना लाइफ कोचिंग बिजनेस, तो कहीं ना कहीं मेरी सोच ये थी कि क्या लोग ये लेंगे, क्या लोग रियली लाइफ कोच चाहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन बिलीफ सिस्टम्स के बारे में पढ़ के मैंने अपना बिलीफ ये चेंज किया कि हाँ, लोग चाहते हैं, सबको जरूरत है एक लाइफ कोच की। और अपने आप पे काम कर करके धीरे धीरे सोच बदली, तो थोड़ी ही टाइम में लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, खुद से पूछने लगे, अच्छा आप ये करते हैं, तो मुझे तो बहुत जरूरत है, आप मुझे बताइए, है अच्छा ना। तो मेरी अपने अपने करंट बिजनेस में, मेरी आई थिंक पेरेंटिंग में, जब मैं अपने मेरा बच्चा जब छोटा था और किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नहीं कर पाता था, तो मैंने लाइफ कोच बनने के बाद ही ये महसूस किया कि मैं उसके साथ क्या सोच के बैठ रही हूँ कि यार ये तो अच्छा नहीं है इसमें, तो वो नहीं कर पाता। उसके बाद जब मैंने सोचा कि मैं इस प्रिंसिपल को क्यों ना यहाँ अप्लाई करूँ, तो मैं अपने दिमाग में ये सोच के बैठती थी कि ही इज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड, वेरी केपेबल, वेरी हाई इन पोटेंशियल। और तब मैं उसके साथ बैठती थी तो मैं देखती थी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अलग होती थी, क्योंकि मेरा विश्वास उस तक पहुंच रहा है। और ये उसने भी वैलिडेट किया, उसने कहा, मम्मा आप जब साथ में बैठते हो ना, तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और कोई और टीचर होती है जो विश्वास नहीं करती है हम पे, जो जज करती है, तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पा, तो हम दूसरों पे भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। आई थिंक यूनिवर्स ने आपको, सॉरी, आई थिंक यूनिवर्स ने आपको मेरे लिए भी इसी कारण भेजा है, क्योंकि ये एस्पेक्ट मेरे लाइफ में भी बहुत चैलेंजिंग है अभी. राइट तो आई थिंक मुझे अपना आंसर आपके थ्रू मिल रहा है. तो बहुत से लोग ऐसे बाय ही कहते हैं कि सकारात्मक सोच या पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति में हम लोग, बाय। बट ऐसे हम लोग कैसे अपने माइंडसेट या मान्यताएं और मानसिकता को हम लोग कैसे प्रभावित कर सकते हैं और उसके पॉजिटिव आउटकम्स हम लोग कैसे उसका उपयोग देख सकते हैं? तो हम अपना माइंड का ट्रेनिंग कैसे करना चाहिए? कोई टिप्स आप दे सकें? सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें लाइफ में चाहिए क्या, हमारे गोल्स क्या है, और कहाँ कहाँ हम ब्लॉक फील करते हैं। कुछ लोग करियर में ब्लॉक फील करते हैं, कुछ लोग पर्सनल रिलेशनशिप्स में ब्लॉक फील करते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है देखने के लिए कि कहाँ पे मेरी सोच सकारात्मक है।
जिस एरिया में हम ब्लॉक फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम रुके हुए हैं, यहाँ जिंदगी वैसे नहीं चल रही जैसे हम चाहते हैं, इसका मतलब हमारी नकारात्मक सोच हमको रोक रही है। तो हम एक अच्छा लाइफ कोच भी हायर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये सोचें कि मेरी सोच क्या है इसके बारे में। जैसे बहुत लोग रिलेशनशिप्स में ये सोचते हैं कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते लोगों को, लोग हमेशा हमें धोखा देने के लिए ही आगे दोस्ती करते हैं। तो ये सोच जब होती है जिन लोगों की, उनकी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं होती, वो अच्छे फ्रेंडशिप्स नहीं फॉस्टर कर सकते। तो ये सोच हमें बदलनी होती है। ये सोच बदलने के लिए लाइफ कोचिंग में, NLP में बहुत टेक्निक्स हैं। जैसे एक बहुत अच्छी टेक्निक है टैपिंग विद एफर्मेशन। एफर्मेशंस वो बातें हैं या मंत्र हैं जो हम अपने आप से कहते हैं, जो हम चाहते हैं हो। जैसे कि अगर मुझे लगता है कि मेरे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे धोखा देते हैं या जो मुझे यूज करते हैं, तो इसका मतलब कि मैं कंडीशन्ड हूँ ये बिलीव करने के लिए दैट पीपल कांट बी ट्रस्टेड। और एफर्मेशंस और टैपिंग हम ऐसे कर सकते हैं दैट आई ऑलवेज अट्रैक्ट पीपल दैट वांट द बेस्ट फॉर मी, आई एम सराउंडेड विद पीपल। EFT है टैपिंग। तो बेसिक टैपिंग मैं आपको अभी दिखा सकते हैं क्या? एक टेक्निक है। अच्छा, सो 3 पॉइंट्स होते हैं मेनली जो हमें हेल्प करते हैं। वैसे तो टोटल 11 पॉइंट्स होते हैं, बट 3 पॉइंट मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ जो हमें बदलाव करने में हेल्प करते हैं। एक तो ये है हमारी अंडर आई पे, जैसे हम टैप करके कोई भी अफर्मेशन बोल सकते हैं। कुछ लोगों में अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो मैं उन्हें कहती हूँ शुरुआत करो आई लव यू से, आई लव यू। या और इसको अगर आप मिरर के आगे करें और टैप करें और अफर्मेशन बोलें, तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है, इसकी पावर और बढ़ जाती है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है हमारा। ये हमारी किडनीज के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये जो हमारी कॉलर बोन होती है इसके नीचे, ये हमारी किडनी फंक्शनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए। और एक है हमारी लास्ट रिब हिज, जो हमारी, हाँ, तो यहाँ हमारे साइड में एक पॉइंट है, उस पे हम टैप करें। तो ये तीनों पॉइंट जब हम टैप करते हैं और हम शुरुआत करते हैं आई लव यू से, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, हाँ, तो उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। या फिर जो हमने आपके जो भी इश्यूज हैं, जैसे ट्रस्ट इश्यूज हैं लोगों के साथ, या अपने आप पे विश्वास कम है, तो आप वो एफर्मेशन यूज कर सकते हैं टू चेंज योर बिलीव्स। इवन फॉर फिजिकल हेल्थ डज इट हेल्प? अगर कोई डिजीज है या उससे बाहर आना है तो आप उसके लिए इट भी कुछ हेल्प्स। करते हैं? हाँ, एक्चुअली डिजीजेस क्या है ना, डिजीजेस आर, दे बिगिन फ्रॉम द माइंड। डिजीज इज डिस ईज इन द माइंड। तो हील योर बॉडी करके एक बुक है लुईस हे की, बहुत बढ़िया, उसमें आपने पढ़ी, हाँ उसमें बढ़िया। हर डिजीज का हमारे सोच के साथ कनेक्शन है कि कैसे, मेरे ख्याल से पाइल्स इज कनेक्टेड टू हाउ आवर ऑब्सेशन विद टाइम। जो लोग बहुत ज्यादा टाइम से ऑब्सेस्ड होते हैं कि ये इतने बजे वो उतने बजे, वो जनरली कई बार उनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके यहाँ इस एरिया में बहुत प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आप अपनी बात खुल के नहीं कह पाते हो, आपके एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप उस किताब में देख सकते हैं। ऑल्सो और मैंने भी पढ़ी है वो किताब, वो रेडी रेफरेंस टाइप मैं रखती हूँ। एंड स्पेशली मैं जब भी वेरी लोगों को नाइस। बैक बैक इश्यूज के बारे में सुनती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके बहुत ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, आपको इसको निकालना चाहिए बाहर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैक पेन इश्यूज मेरे ख्याल से ब्लॉक्ड। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट यू कैन करेक्ट मी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाँ, जैसे कई लोगों को जॉ में ब्लॉकेज हो जाती है या और कहीं हो जाती है, इसका मतलब वो बहुत अपनी सोच में बहुत स्टक हैं, वो किसी और की सुनना नहीं चाहते। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सब सब चीजों का एक इमोशनल कनेक्शन है हमारी सोच से। नाइस कि आप ये सब रिलीज मैकेनिज्म्स, आई थिंक बेसिकली अपने बॉडी को अपने माइंड को इससे सब रिलीज कर देने का, ये इमोशंस एंड लिव हैप्पी, हाँ, राइट? और हमारी बॉडी का हमें बताने का तरीका है कि कुछ बदलना है तो कुछ आई चेंज करना है। थिंक इट्स ऑल अ
डिस्टेंस बिटवीन व्हाट वी हियर एंड व्हाट वी से, दिस डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाह वाह, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। तो ये सब तो बातें अच्छी हैं जब भी जिंदगी अच्छी चल रही है, पर अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हम कैसे अपना संतुलन बनाए रखें, हमको माइंड को कैसे ट्रेन करके रखना चाहिए कि इवन इन चैलेंजिंग सिचुएशंस में अपना संतुलन ना खो बैठे, तो इसके लिए कोई रेगुलर प्रैक्टिसेस है या आप कुछ सजेस्ट कर पाएंगे जो हम लोग रोज करेंगे तो विल रीच दैट स्टेज प्रोबेबली? या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं अपने जो भी क्लाइंट्स हैं या जो भी जो मुझसे मदद मांगते हैं, मैं उन्हें ये कहती हूँ कि अपनी जो सुबह है ना उसको और अपनी रात को सोने से पहले वाले टाइम उसको बहुत अच्छे से यूज करें। तो हमारी सुबह और हमारी रात इज अ टाइम ऑफ क्रिएशन, और सुबह में हमें हमेशा कोई ऐसी प्रैक्टिस से शुरू करना चाहिए जो हमको अलाइन करे, बॉडी माइंड सोल को अलाइन करे। चैलेंजेस हमेशा रहते हैं लाइफ में, कोई लाइफ ऐसी नहीं है जिसमें चैलेंज नहीं होता, लेकिन चैलेंज को झेलने की और उसको बदलने की कैपेसिटी हमारी अपनी अलाइनमेंट से आती है। जब हम अलाइनमेंट होंगे तो चैलेंज चैलेंज नहीं लगेगा ना, सोल्यूशन हमारे अंदर से आ जाएगा। तो उसके लिए मैं ब्रेथ वर्क बहुत वो करती हूँ, जैसे हमारे अपने योग में है कपालभाति या फिर अनुलोम विलोम या फिर भ्रामरी। ये तीनों बहुत पावरफुल तरीके हैं अपने शरीर और अपने मन को अलाइन करने के लिए। और जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपके पास गाड़ी है और वो गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट उड़ा हुआ है, गया हुआ है, व्हील अलाइनमेंट नहीं है, तो आप जब राइट में मोड़ोगे तो गाड़ी लेफ्ट में जाएगी, आप जब लेफ्ट में बोलोगे तो गाड़ी राइट में जाएगी, क्योंकि गाड़ी अलाइन नहीं है। तो जब तक आप उसे वर्कशॉप में देखिए उसकी अलाइनमेंट नहीं ठीक कराएंगे, तब तक गाड़ी इधर उधर ही जाएगी। तो ऐसे ही जब हम बैलेंस नहीं है, हम अलाइन नहीं है, हमारे बिलीफ सिस्टम सही नहीं है, तो हमारी गाड़ी इधर उधर ही जाएगी, और हम चैलेंज नहीं भी होंगे तो क्रिएट कर लेंगे। राइट हाँ, तो जब जब चैलेंजेस होंगे और हम अलाइंड होंगे तो हम सोल्यूशन उनका अपने आप निकाल लेंगे। जैसे टैपिंग से मैं जरूर शुरुआत करती हूँ अपने दिन की, ब्रेथ वर्क से जरूर शुरुआत करती हूँ अपने दिन की, और मैं अपने दिन में शुरुआत में जरूर ये लिखती हूँ कि आज के मेरे दिन का इंटेंशन क्या है, मैं क्या चाहती हूँ कि मैं आज क्या हूँ, स्ट्रोंग, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, दैट। तो ये प्रैक्टिसेस, और वाह, यही करेक्ट। रात को सोते हुए भी। आई थिंक वो लास्ट थॉट बिफोर यू स्लीप इन्फ्लुएंसेस द फर्स्ट थॉट जो जिसके साथ आप उठेंगे सुबह। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट एक बुक है उसमें लिखा है स्लीप इज अ टाइम ऑफ क्रिएशन, अच्छा, स्लीप इज अ टाइम ऑफ क्रिएशन। आप जो लेके जाते हैं थॉट्स, वो आप और एम्पलीफाई कर देते हैं अपनी लाइफ में। तो ये बहुत जरूरी है, और मैंने एक पॉट वो भी लिखा है, ब्लॉग भी लिखा है मीडियम पे, स्लीप इज अ टाइम ऑफ क्रिएशन का, जिसमें मैंने स्टेप्स दिए हैं कि कैसे आप क्या करें, क्योंकि कई बार हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कह देते हैं लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि वापस जाके क्या करें। तो आप अपने लिए एक अच्छा सा वॉइस नोट बना सकते हैं अपने फोन पे, आजकल तो फोन पे वॉइस नोट बनाने की भी सुविधा है, अपने आप को क्या कहना चाहते हैं, तो अपने लिए एक अच्छा सा लेटर टाइप का बना के लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके माइंड में चलते रहें ये थॉट्स रात को, थॉट्स थॉट्स टू माई सेल्फ। टू माई सेल्फ। तो बस ये तो हुआ आपके जिंदगी के बारे में। क्या आप कोई ऐसे सक्सेस स्टोरीज आप उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं कि आपने किसी के जीवन में उनके बिलीव्स ने उनका जीवन कैसे सुधारा, लाइक सम ऑफ योर क्लाइंट्स, विदाउट नेमिंग देम, उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट समथिंग टू मेक अस बिलीव कि हाँ ये हो सकता है। या अ लॉट। इनफैक्ट सबसे ज्यादा काम हम बिलीफ सिस्टम्स पे ही करते हैं जो लोग ज्यादा समय तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो एक एक नहीं बट कुछ ऐसे जो वुमेन है बिटवीन द एज ऑफ 25 to 35, वो बहुत लॉस्ट फील करती हैं। और एक मेरे पास ऐसी क्लाइंट आई थी जो जिसको कि बहुत रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स थी अपने फ्रेंड्स में, आसपास में, और वो ये भी कहती थी कि जब भी वो कोई इंटरव्यू भी देने जाती है तो भी उसको बहुत नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है, और
उसको आगे से बहुत सुनने को भी मिलता है। तो फ्रेंडशिप्स में भी सब उसे धोखा देते थे उसके अच्छा साथ, मतलब ऐसे इंस्टेंसेस बहुत होते थे। तो जब मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया तो मैंने ये समझा कि उसके पेरेंट्स ने उसे ऐसे कंडीशन किया है कि लोगों से बच के रहना, तुम्हें बहुत धोखेबाज मिलेंगे, अपने आप को बचा के रखना। तो ये जो बिलीफ था उसका, इसने ये सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए कि उसको ऐसे ही लोग वापस मिले जो कि उसको यूज करते थे, उसको धोखा देते थे। और वो पूरी कोशिश करती थी सबको इम्प्रेस करने की, जैसे पीपल प्लीजर्स बन जाते हैं बच्चे, यू नो, कि कैसे मैं लोगों से दोस्ती करूं, कैसे मैं उन्हें अपने फ्रेंडशिप जोन में रखूं। ये स्ट्रगल जब हमने बिलीव्स पे काम करना शुरू किया, बहुत सारी प्रोसेस यूज की, तो आज वो जो लड़की है शी, वो 30 की है और उसकी लाइफ में बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स हैं। और उसको ये खुद भी समझ आया कि मैं अपने बिलीफ से वो सब क्रिएट कर रही थी। इनफैक्ट उसने मुझे ये भी कहा कि प्रियंका, मैंने लास्ट 3 इंटरव्यूज दिए हैं और तीनों में मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि शायद ये तीनों जॉब्स मुझे मिल जाएं, बिकॉज ऐसा लग रहा था जैसे मैं इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ, मैं एक बात कर रही हूँ अपने दोस्त से पुराने। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां है मेरे पास जो कि आपका इंटरव्यू टाइम खत्म हो जाएगा, पर हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि हम जब ट्रस्ट नहीं करते लोगों में तो हमें वापस, लैक ऑफ ट्रस्ट मिलता है। और वो बिलीफ कब हमारे दिमाग में आया, किसने डाला, वो पता लगाना हमें बहुत जरूरी है उसे चेंज कमाई करने क्या के लिए। पैसा पाएंगे इन सिंपल टर्म्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सामाजिक या सांस्कृतिक कंडीशनिंग, एज इन अपने सोसाइटी के जो कंडीशनिंग होता है वो हम पे भी इम्पैक्ट जरूर होता है कि हम कैसे सोचते हैं। इसका हमको बहुत सारा चीज हमारे फैमिली से, हमारे समाज से हम प्रभावित होते हैं। तो अगर हमको कुछ पता है कि ये लिमिटिंग बिलीफ है, इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या बढ़ पा रहा हूँ, तो इसको हम लोग इससे कैसे मुक्ति पाए, स्पेशली सोसाइटी कंडीशन, मैरिजेस, कल्चरल कंडीशनिंग, ये सब चीजों के बारे में कुछ आप कह सकते हैं? हमारा जो माइंड है ना, मैं पहले क्विकली उससे शुरू करती हूँ कि हम जो बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में इनविजिबल हैं जो हम देख नहीं सकते, जैसे कि जब हम रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑन करते हैं तो वो हमें दिखता नहीं है। हाँ, हम आजकल सब कुछ, बहुत सारी चीजें हैं जो वेव्स, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स से चलती हैं जो हम देख नहीं सकते। तो ये एक इनविजिबल पार्ट ऑफ रियालिटी है और एक विजिबल पार्ट ऑफ रियालिटी है। हम हमेशा बहुत विजिबल से फैसिनेटेड होते हैं, जो हमें दिख रहा है सामने, लेकिन एक हमारा इनविजिबल पार्ट ऑफ रियलिटी है हमारे थॉट्स, हमारे बिलीफ सिस्टम्स जो हमें दिख नहीं रहे। तो जब हम कुछ चाहते हैं अपनी जिंदगी में बदलना, तो सबसे पहले हम उससे रिलेटेड जो हमारे थॉट्स हैं वो बदलें। राइटिंग ऑल्सो इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, लिखना या जर्नलिंग जो आज हम कहते हैं। तो अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो हम ऐसे जर्नल करें जैसे कि वो बदल चुका है, अच्छा ऐसे जर्नल, अपनी लाइफ की स्टोरी ऐसे लिखें, इसे कहते हैं री राइटिंग योर स्टोरी। तो अपनी लाइफ की ऐसी स्टोरी लिखें कि वो बदल चुकी है कंप्लीटली और हम उसमें जी रहे हैं, उस स्टोरी में, उसे प्रेजेंट में ऐसे लिखें और फिर उसको रोज पढ़ें। तो हम इनविजिबल रेज यूनिवर्स में भेज रहे हैं जो कि हमारी लाइफ को फिर उसी डायरेक्शन में बदलना शुरू करती है। ये तो हम खुद से कर सकते हैं, खुद से करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम किसी की हेल्प लें, कोई मदद लें। आजकल बहुत लाइफ कोचेस, बहुत अच्छे अच्छे कोचेस अवेलेबल हैं जो कि हमें हमारे बिलीफ्स और थॉट्स बदलने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो माइंड प्रॉब्लम पैदा कर रहा है वो माइंड सोल्यूशन बड़ी मुश्किल से देगा, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स ही देगा। तो किसी और के साथ अलाइन होके हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी सोच बदलें, ट्रैक करें, अब मैं कैसे सोच रही हूँ, क्या ये सोच मुझे मदद करेगी मेरी जिंदगी को वो बनाने में जो मैं चाहती हूँ। तो द सीड, जैसे आपने कहा कि जो हम सीड प्लांट कर रहे हैं वो हमारा थॉट है, हमारे थॉट्स करेंसी हैं हमारी लाइफ में वो लाने के जो हम चाहते हैं। बट जनरली क्या होता है कि अगर कोई हम पर्टिकुलर कम्युनिटी में या सोसाइटी में रहते हैं, इफ वी ब्रेक अवे, तो बहुत सारे टाइम पे हमको लेबल किया जाता है कि या ये रेबेल, या तो ये अगेंस्ट है हमारे,
मे बी इट्स नॉट अगेंस्ट, जस्ट न्यू वे ऑफ थिंकिंग, नया सोच होगा, बट फिर वो जेल करना बहुत मुश्किल है बैक इनटू द सोसाइटी. तो दैट इज अ चैलेंज विच मुझे बहुत बार खुद में भी दिखता है और आसपास के लोगों में भी दिखता है कि जो अलग से सोचता है उसको एक आउटकास्ट कर दिया जाता है. हाँ, दैट इज द प्राइस वी पे फॉर बीइंग अस. सो करेक्ट. इट्स अ चॉइस वी मेकिंग, इट्स अ चॉइस वी मेकिंग. पर आजकल सोचो बहुत कम्युनिटीज हैं वुमेन की जो दैट आर ब्रेकिंग अवे, सो आप उनसे जुड़ सकते हैं. तो आजकल मैंने ये देखा है कि बहुत सारी, मैं भी उन कम्युनिटीज का पार्ट हूँ जो वैसे सोचते हैं जैसे हम सोच रहे हैं, और यू नो उनसे मिलके, उनसे समझ के, जैसे लीप क्लब एक ऐसी कम्युनिटी है वुमेन की जो जो बहुत जगह है, गुड़गांव, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, और उनसे जुड़ के उनके माध्यम से हम अपने विश्वास को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि उन सब की सोच है अपने जीवन को वैसे बनाने की जैसे वो चाहते हैं, ना कि सोसाइटी की कंडीशनिंग में और उस तरह से जीने की. Oh, nice. तो ये बहुत ही दिलचस्प कन्वर्सेशन प्रियंका जोशी जी के साथ, जिसमें हम देख रहे हैं कि हम अपने ही सोच विचारों से अपना जीवन या अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं. इसके बारे में इन्होंने अपने दृष्टिकोण और अपने प्रैक्टिसेस के बारे में काफी बात किया है, और इस बातचीत को हम और थोड़ा दिलचस्प बनाते हैं एक क्विक रैपिड फायर के साथ, जिसमें कि हम आपके कोचिंग के अलावा का साइड ऑफ लाइफ भी देख सके. तो शुरू हो जाए. तो बिल्कुल. अगर आपके बारे में एक जायजेंटिक बिलबोर्ड कहीं पर भी हो तो आप उसपे क्या लिखना चाहोगे? मेरे बारे में हाँ जी, खुद का आपका बिलबोर्ड हो कहीं. मैं अपने बारे में तो नहीं, बट एक एक बिलबोर्ड पे मैं ये लिखना चाहूंगी दैट डोंट लिसन टू योर माइंड, टॉक टू इट. ओह नाइस, ब्यूटीफुल. अगर आपको कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करते? मोगली की गर्लफ्रेंड फ्रॉम जंगल बुक. ठीक आई लव अ गीता. आई डोंट नो इफ आई रिमेम्बर अ नेम. नाइस. अगर आपको एक दिन के लिए कोई ऐसा नियम बनाना पड़े जिससे कि आप कुछ बदलना चाहोगे तो वो क्या होगा? आई विल आस्क एवरी वन टू प्ले, बी गुफी, लेट द चाइल्ड इन यू कम आउट एंड जस्ट प्ले, स्टॉप टेकिंग योर टाइम लाइफ सीरियसली. हाँ, वेरी इम्पोर्टेंट. अगर आपको कोई किसी फिल्म में के रीमेक में अगर आपको हीरो या हीरोइन का रोल मिले तो आपको कौन सा फिल्म में, कौन से फिल्म में हीरोइन का रोल करना पसंद होगा? करीना कपूर इन 3 इडियट्स हाउ स्वीट. और राजो. ओके. और एक ही, अगर आपको एक डिश पूरी जिंदगी खाना होगा तो आप क्या चूज करोगे? आई थिंक आई नो द आंसर. हाँ, यू डू छोले भटूरा. आई डोंट नो व्हाट आई विल बिकम देन, बट या. और आखिरी का ये सवाल जो हम सभी से पूछते हैं कि ऐसी कोई आपको आधुनिक यंत्र इन्वेंट करने का मौका मिले तो आप क्या इन्वेंट करना चाहोगे? माइंड रीडिंग. आई वॉन्ट टू नो पीपल्स इमोशंस एंड माइंड्स, व्हाट्स गोइंग ऑन. अच्छा. इंटरेस्टिंग. द मोस्ट कॉमन आंसर हमको इसमें मिलता है टाइम मशीन. हाँ, टाइम सभी लोगों मशीन. को टाइम मशीन बना के आगे पीछे जाना है. या दैट्स आल्सो गुड. तो आखिरी का एक सवाल है कि आप उभरते हुए युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? आपके एक्सपीरियंस, लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो यूथ है उन? सबसे मैंने अपनी जिंदगी से जो सीखा है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने आप को पहचानो सबसे पहले. बहुत कुछ बहुत सबके पास कहने के लिए है, लेकिन सबसे पहले अपने मन की आवाज सुने और अपने आप को पहचाने कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, और वहां से शुरुआत करें. वो बहुत जरूरी है. और दैट देर आर नो फेलियर्स, देर आर ओनली फीडबैक्स. फेलियर कुछ नहीं होता, सिर्फ लाइफ हमें फीडबैक दे रही है कि अब कुछ अलग करना है अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने. ये मेरा आई थिंक सबसे ये इम्पोर्टेंट. कहीं प्रिंट करके हमको पूरी दुनिया में लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग इतने ज्यादा सुसाइड्स के बारे में सुनते हैं, स्पेशली यू, बिकॉज दे आर कॉल्ड लूजर्स एंड फेलियर्स एंड दीज वर्ड्स हार्म अस मोर देन एनीथिंग एल्स. इमीडिएट लेबल्स लगा देते हैं हम, चांस हाँ, नहीं देते लाइफ को.
फीडबैक इज बहुत अच्छा वर्ड है कि फेलियर नहीं है, ये फीडबैक है, बहुत ही कूल। थैंक यू सो मच। या तो प्रियंका जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। दोस्तों, ये था हमारा आज का श्रृंखला प्रियंका जोशी के साथ। आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आया तो अपने 3 करीबी लोगों के साथ शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कुछ फायदा हो, या कोई टिप्पणी उन्हें भी, खास टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। आपके दोस्तों को कुछ नया सीखने मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। धन्यवाद। तो आप चलते हैं हम ट्रिविया सेक्शन, जहां पर हम बातें करते हैं जो आम जानकारी है उसके बारे में। तो जो कि आज का हमारा विषय था, मान्यताओं के बारे में, बिलीव्स के बारे में। तो हमारे कई मूल मान्यताएं बचपन के दौरान ही स्थापित हो जाते हैं हमारे दिमाग में, जो अक्सर अनुभवों, पारिवारिक गतिशीलता और सामाजिक सामाजिक कंडीशनिंग से प्रभावित होते हैं। ये स्टार्टिंग से ही हमारे दिमाग में इतना कंडीशन कर देता है कि हम पूरे जीवन को उसी नजरिया से देखते हैं। मान्यताएं न केवल व्यक्तिगत होती है बल्कि संस्कृति से भी गहरी प्रभावित होते हैं हमारे सोचने का ढंग। हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी करके एक साइंटिफिक टेक्निक है, जिसके वजह से हम जिस चीज को देखते हैं उसके अंदर, हमारे दिमाग के अंदर न्यूरल कनेक्शंस बन जाते हैं, और हम कोई सिचुएशन को पहले देखे हैं तो वो सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते हैं वो पहले ही हमारे अंदर प्रोग्राम्ड होता है। तो इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम चेंज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं नई सोच और इंटेंस ट्रेनिंग के साथ। रोज 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 हम अपने माइंड को बोलेंगे कि हमको रीराइट करना है, आपको ये ओल्ड कंडीशनिंग निकालना है, तो हम वो जरूर कर सकते हैं। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में आप थोड़ा और जानिए और पढ़िए और देखिए कि हम अपने माइंड को रीवायर कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रतिक्रिया या सजेशंस हो तो आप हमारे ईमेल आईडी tgvhindi@gmail पर जरूर लिखिए, या आप अगर किसी मेहमान को बुलाना चाहे इस प्लेटफॉर्म पर तो वो भी हम आपको आप हमको ईमेल कर सकते हैं। मैं हूँ सुचरिता, आपकी हमसफर। हमारी यही उम्मीद है कि हमारे इस एपिसोड से आपके जिंदगी में हम कुछ तो अमूल्य बातें पहुंचा सके। तो अगली बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। धन्यवाद।